मंगल ढिलोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिलोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत महापुरुष, गुरु, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। गुरु प्रेमियों, रब भगवान से मेरी बातें, माय कन्वर्सेशंस विद गॉड, रब नाल मेरियां गल्लां, इस श्रृंखला में ये एपिसोड नंबर 89 होगा। जैसा कि इससे पहले वाले एपिसोड में मैं जिक्र कर चुका हूं कि गुरु पिता ओंकारा जी महाराज ने मुझे एक तरह से प्यार भरी डांट लगाई और सत्य बताया जो बहुत कड़वा था, और सत्य तो चोट पहुंचाता है और मुझे बहुत चोट पहुंचाई। मैं काफी विचलित हो गया, परेशान हो गया। जैसा मैंने उस एपिसोड में जिक्र किया था कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था उसको हैंडल कर पाना कि इतनी बड़ी शक्ति, ईश्वरीय शक्ति, ईश्वर का अंश मेरे बारे में ये कह रहे हैं। मतलब मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं कि मेरी क्या दशा हुई। बहुत कोशिश के बावजूद भी कि मैं वैसे रिएक्ट ना करूं, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, उदास हो गया, बिल्कुल ही होता ना, धराशायी हो गया, निढाल, लेट ही गया, जाके निकला ही नहीं। और उनको तो सब मालूम हो, तो सब देख रहे थे। अब ये देखिए, ये बड़ा सुरियलिस्टिक है। मैं बार बार कहता हूं, अनबिलीवेबल है कि वो सब देख रहे थे मेरी मनोदशा, मेरी हालत, मेरी कंडीशन। तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं, कभी कभार ऐसा दूसरे दिन ही जवाब आ जाता था। तो जब उन्होंने मेरी ये कंडीशन देखी कि ये तो धराशायी हो गया है, ये तो मतलब उदासीन, मतलब गिरी पड़ा बिस्तर पे। और ये सत्य भी है कि मतलब उनका ये कहना, हालांकि वो सत्य था, लेकिन बहुत ठेस पहुंची मुझे। मैं अपने आप से भी निराश था। तो उनका उत्तर आया दूसरे दिन। अच्छा, मैं क्योंकि उम्मीद नहीं करता था, 2-3-4 दिन के बाद या 5-7 दिन के बाद उनका उत्तर आता था, तो डॉक्टर रूपा के माध्यम से वो मुझे संकेत देते थे। और जब भी, अच्छा मुझे उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने कहा तो मैंने कहा आप कहाँ, उनका उत्तर आने वाला है। वो तो लगता मुझसे नाराज थे और मेरी बड़ी रेल बनाई उन्होंने। और मैं उनसे बड़ा इनडायरेक्टली अपनी भड़ास भी निकाल रहा था। होता ना कि आप बेबस हैं, कुछ कर तो सकते नहीं है, लेकिन आपका स्वभाव है और आप कठिन किस्म के आदमी हैं, जिद्दी हैं, और आपके अपने लॉजिक्स हैं, आपकी अपनी कन्विक्शंस हैं। तो मैं तमाम तरह की बातें डॉक्टर रूपा से कह चुका था कि मतलब जिस तरह से उन्होंने उस मुझे लिख के भेजा है प्रभु जी ने, मतलब मैं क्या करूं, मतलब तुमको तो उन्होंने एक देवी बना दिया है, तो तुम्हारी तो मैं पूजा करूं, मतलब तुम्हारे सामने मैं हाथ जोड़ के बैठूं, और वो मुझे आदेश कर देते हैं, और मेरी अपनी ऐसी पोजीशन नहीं है, या तो मुझे वो सब साधन दें, वो शक्तियां दें मुझे, और फिर कह रहे हैं कि इसके लिए शक्ति की जरूरत नहीं है, और मतलब मुझे कह रहे हैं हर बात पे तुम किंतु करते हो, मेरी हर शब्द पे किंतु करते हो। मतलब जैसे एक पिता के साथ एक बच्चा रूठ जाता है या उदास हो जाता है, अपसेट हो जाता है, और पिता उसके भले के लिए सब कर रहा होता है, लेकिन वो उसको समझता नहीं है उस वक्त। तो पिता को तो चिंता होती है, दर्द भी होता है। जैसा मैंने वो गाना, हमारे यूट्यूब पे चैनल पे है, वो गानों के जरिए भी बहुत भावात्मक जो है सत्संग हो सकता है। तो उसमें जो गाना था कि जान कुछ कुछ उनकी भी जाती तो होगी, याद मेरी उनको भी आती तो होगी। तो वो स्थिति थी कि उनको, पिता को ये पता था कि तो अपसेट हो गया बहुत,
तो धराशाही हो गया, लेट ही गया जाके अंदर, और बार बार ये उसको कह जा रहा था। तो दूसरे दिन जब उनका उत्तर आया, जब उसने मुझसे कहा कि देखो मुझे लगता है कि उत्तर आया है प्रभु जी का, तो मैंने कहा आप कहाँ भेजेंगे भाई? तो उन्होंने कहा नहीं मुझे ऐसा लगा। अच्छा, ये मुझे तब तक यकीन हो गया जब वो कहती थी तो उत्तर आता था, उसके जरिए वो बुलवाते, उन्होंने मुझे बताया कि मैं इससे कहलवाता हूँ। तो मैंने देखा तो उसमें उत्तर था, तो मैं हैरान हो गया। अब मैं उसको पढ़ने लग गया, तो जैसे शुरुआत करते थे, हरिओम बेटा, कल के उत्तर का संदेश कुछ और ही था जैसा रूपा ने तुझे बताया। अब ये इस कॉन्टेक्स्ट में वो कह रहे थे कि मैं तो मतलब अपसेट हो गया। तो डॉक्टर रूपा ने मुझे बताने की कोशिश की कि नहीं, उनका मकसद आपका मार्गदर्शन होगा या आपको गाइड करना चाहते होंगे, उनका मकसद ये नहीं हो सकता है। ऐसा मुझे लगता है कि रूपा के माध्यम से शायद गुरुपिता ओंकारा जी महाराज ही उसे बुलवा रहे थे मुझे सांत्वना देने के लिए, मुझे शांत करने के लिए कि ये थोड़ा रिलैक्स हो। बट आई वॉज वेरी अपसेट एंड सैड, जेन्युइनली सैड। तो और फिर कहते हैं कि इसको साथ में लेके जाएगा, जो मैंने पहले भी इस एपिसोड में कि रूपा को तुम्हारा रक्षा कवच है और उसको साथ लेके जाया करो। अब मैं इसको हर जगह कहाँ लेके जाया करूँ तुमको, मैं मतलब कहीं भी जाना है तो मैं तुमको कैसे लेके जाऊँ भाई? मेरी अपनी दिक्कतें हैं, मेरी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, मेरे अपने कॉम्प्लेक्सेस कह लो उसे, जो भी कहें आप, मजबूरियाँ हैं। तो इस तरह की बातें मैं उसे कहता रहा, जैसे हमारे पंजाबी में जहर कोल दरिया होता, कर तो कुछ सकती नहीं है, आपको अपनी गलतियां भी मालूम है, आपको मालूम जो उन्होंने कहा सत्य है, आप उसको अंडू भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपके अपने एंगल्स हैं, आपकी अपनी एक जस्टिफिकेशन है। तो उस एंगल से मैं उनको बातें करके सुना रहा था, वो सुन रहे थे। उन्होंने कहा मैं तो कहीं भी हूं, मैं सुन सकता हूं, तुमको देख सकता हूं। तो अब इस कॉन्टेक्स्ट में जो उसने मुझे समझाया था कि उनका मकसद ये नहीं होगा, उनका पर्पज ये होगा, वो ऐसे होगा, तो वो मुझे उन्होंने पहली लाइन में ये लिखा कि जैसा रूपा तुम्हें समझा रही थी कि तुम्हें संदेश देने का जो उत्तर था उसका कुछ और संदेश देने का मकसद था, यू नो। तो कल से मेरा उत्तर पढ़ के तू इतना परेशान और विचलित क्यों हो रहा है? बुरी शक्तियां अपना प्रभाव डाल रही हैं, ऐसा मत कर, तुझ पर ईश्वर की कृपा है। अब ये देखिए, उस शक्ति का ऐसा कहना, एक तो तू परेशान और विचलित मत हो, बुरी शक्तियां प्रभाव डाल रही हैं, क्योंकि जब नकारात्मक थॉट्स आपको आते हैं, डिस्टर्बिंग थॉट्स आपको आते हैं, तो निश्चित रूप से जो नकारात्मक शक्ति है वो प्रभाव डाल रही होती हैं, ऐसा महापुरुषों का फरमान और गुरुपिता ओंकारा जी महाराज ने ऐसा फरमाया, और वो सत्य था। और ऐसा मत कर, तेरे ऊपर ईश्वर की कृपा है, क्योंकि अब ईश्वर ने उनको भेजा, 3 दिन का उनका तप देना पड़ा मेरा मार्गदर्शन करने के लिए, तो निश्चित रूप से कृपा ही थी, अन्यथा कितने लोगों के जीवन में ऐसा होता है। फिर आगे उन्होंने लिखा कि तू मेरे हर शब्द पर किंतु परंतु करता है। मैंने अपने कल वाले उत्तर में यह लिखा था, तो उसको पढ़ के तू ज्यादा परेशान है और विचलित है। मैं सब जानता हूं, मुझे सब मालूम है, तू किंतु परंतु नहीं करता है। इसको जैसे एक पिता बच्चे को बहलाता है, बच्चा रोने लग जाए, अपसेट हो जाए, हर्ट हो जाए, तो दयालुता देखिए ईश्वर की कि तू ऐसा नहीं करता है, अब तू ऐसा नहीं करता है, तू हर बात की गहराई में जाना चाहता है, उसको गहराई से समझना चाहता है, ऐसा उन्होंने लिखा। कदाचित भाग्य और भाग्य से बाहर परीक्षा के बारे में तुझे कई बार बता चुका हूं, क्योंकि मैं इस पर बहुत अटका हुआ था, किंतु परंतु करता था कि सब भाग्य में ही है। ये मेरा बहुत अटल विश्वास था, और जो चेंज हुआ उनके बताने से मुझे कि सब कुछ, मैं भी ये कहता रहता हूं कि सब कुछ भाग्य के अंदर ही निहित है, उससे बाहर कुछ नहीं है, ठीक है,
तो मैंने जब उनको लिखा था तो उन्होंने मुझे बड़ा जबरदस्त उत्तर दिया था कि कर्म गति टारे नाही टरी मुनि विशेष सब पंडित ज्ञानी सोत के लगन धरी। मेरे शुक्र में ये प्रॉब्लम है, मेरे भाग्य में अगर मेरा कुछ हिसाब किताब किसी के साथ में है तो वहाँ से कैसे भाग सकता हूँ, वो तो अटल है, वो तो लिखा हुआ है, सब पहले से फिक्स है, प्री फिक्स है। मैं इस तरह के उनसे जो है ना शास्त्रार्थ कर रहा था, तब उन्होंने कहा कि मैं अज्ञानी भला तेरा क्या मार्गदर्शन कर सकता हूँ। जब फिर मैंने माफिया वगैरह मांगी, अरे महाराजा तू तो बहुत बड़ा ज्ञानी है, ऐसा लिख के भेजा था, पहले एपिसोड में कहीं मैं जिक्र कर चुका हूं। तो उनको लगा कि इस बात से अपसेट है, तो मुझे उन्होंने ढांढस दिया कि नहीं अब तू ऐसा नहीं करता है, तू हर चीज को गहराई से जानना चाहता। तो ये जो मेरे सवाल थे भाग्य को लेके, परीक्षा को लेके, उन्होंने बताया कि ठीक है सब कुछ भाग्य में है, लेकिन ईश्वर कभी कभी किसी की परीक्षा लेते हैं, उसे चुनते हैं, वो बहुत रेयर होता है। मतलब ये शब्दावली तो मेरी है कि वो बहुत बहुत ही कोई बिरला होता है जिसको वो चुनते हैं, वो भाग्य में नहीं होता। ऐसा उन्होंने मुझे लिख के भेजा, जो मेरे लिए मुश्किल था, इसको मानना भी बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। जो लोग यहाँ किंतु मृत्यु करते रहते हैं तो उनको मैं बताना चाहूँ, मेरे लिए भी मानना बड़ा मुश्किल था कि मैं तो ये मानने को तैयार नहीं था कि अगर मेरी परीक्षा हुई तो मेरे भाग्य का हिस्सा होगी, वरना हो नहीं सकती है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, कभी कभी ईश्वर किसी बिरले को चुनते हैं परीक्षा के लिए, वो भाग्य का हिस्सा नहीं होती है। अब ये भी मेरे लिए मानना बड़ा मुश्किल था उस वक्त, मतलब चारा तो कोई नहीं था, तो तुझे चुना गया था और तू फेल हो गया। तो वो उसका रेफरेंस देके कह रहे हैं कि उसके बारे में तुझे मैं कई बार बता चुका हूं, मैं तेरी मनोदशा से भली भांत परिचित हूं। मैंने कुछ डॉक्टर रूपा से कहा था जो मेरी परिस्थितियां थी और कई चीजों के बारे में कि मतलब दिस इज माय स्टेट ऑफ माइंड, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं। आई मीन आई हैव बीन स्ट्रगलिंग इन एवरी वे पॉसिबल फ्रॉम माय चाइल्डहुड टिल डेट, आई हैव बीन स्ट्रगलिंग। लोगों को लगता है ये एक्टर बन गया, इसने वहां पैसे कमा लिए होंगे, लेकिन वहां भी मैंने संघर्ष किया, यहां से बहुत संघर्ष करके पहुंचा। मतलब ये एक अलग सीरीज मैं शुरू करूंगा जिसका मैं जिक्र कर चुका हूं, स्क्रीन प्ले ऑफ माई डेस्टनी। मतलब आप देखिएगा डेस्टनी कैसे काम करती है, मतलब अद्भुत है, अनबिलीवेबल है। और उसका मकसद है कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। बार बार मैं आपको याद दिलाऊंगा कि मतलब जो उसको आप देखेंगे दुनियावी तौर पे तो बहुत बुरा लगेगा, इससे बुरा और क्या हो सकता है, लेकिन एंड में आपको लगे नहीं 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 ये तो अच्छा था इस एंगल से। वो खैर वो एक अलग विषय है। तो कहने लगे मैं तेरी मनोदशा से भली भांत परिचित हूं, तुझे जब सही लगे। अच्छा, क्योंकि वो मुझे निर्देश देते थे ये काम कर ले, ये कर दे, वो कर दे, चित्रकार जल्दी खत्म कर और फलाना कर, ऐसे मुझे निर्देश आते थे। तो मैं उसको लेके बहुत परेशान रहता था कि क्योंकि कर मैं पा नहीं रहा हूं जो जो निर्देश आ रहे हैं, जितना मैं कर पा रहा हूं करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये मैं उसको सुनाता था, डॉक्टर रूपा के साथ शेयर करता था कि जितना मुझसे हो पाता मैं कर रहा हूं, लगा हुआ हूं, अब मेरे हाथ में कोई जादू नहीं है, मेरे बस में नहीं, तो मैं क्या करूं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने मुझे लिख के भेजा कि जब तुझे सही लगे तब तू सभी कार्य समाप्त कर लेना, तू मेरा कहा हुआ हर काम कर रहा है, सुबह से लेकर शाम तक परेशान रहता है कि जो गुरु पिता ओंकारा जी महाराज जी ने निर्देश दिया है मुझे ये भी करना, मुझे वो भी करना, जो जो उन्होंने कहा था तकरीबन मैं सब कुछ करने का प्रयास कर रहा था और मुझे लगा कि हो नहीं पा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि सुबह से शाम तक परेशान रहता है। माँ के लिए जो उनका कि माँ के बच्चों को काम पे कब लगाओगे, अपनी जो पिछले जन्म की बहन थी उसकी मदद तुमने करनी है, ये तेरे कर्म है, तेरा हिसाब किताब है, तुझे ही इसको संपूर्ण करना है। तो अब उसमें भी तूने वहां जाना है तो वहां जाके खाना भी खाना है, बैठना, समय बिताना है, उनको भगवान के नाम से जोड़ना है और वहां फल आदि लेके जाना है और बच्चों को प्यार देना है और टेंपर लूज नहीं करना, इंपेशेंट नहीं होना है। मतलब तरह तरह के निर्देश मुझे आते थे और मैं उसमें उलझा हुआ था कि वहां मैं जाता भी हूं और वो लोग पूरी तरह से मेरी बात नहीं सुनते हैं, वहां माहौल भी कुछ इस तरह का नहीं होता है। तो मतलब कई तरह की चीजों में उलझा, तो वो चीजें में जो मैंने जिक्र किए थे तो उन सबके जवाब थे कि मां के कार्य भी जब तुझे ठीक लगे, जब समय लगे तब बाद में कर लेना,
मतलब हर तरह से मुझे वो रिलीफ दे रहे थे, ठीक है, कि लेकिन चिंतित और परेशान नहीं होना है, विचलित नहीं होना है। रूपा के बारे में जो मैंने कहा था कि ये मुझे कहने लगे उसको अजी के साथ लेके जाया कर, और मैंने उससे कहा था कि भी जिस तरह से वो कह रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, तो उस हिसाब से तो तुम तो कोई देवी हो भाई। मैं तो तुम्हें कोई काम भी नहीं कह सकता हूं, तो ये तो अच्छा झंझट है। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि रूपा को देवी की तरह नहीं मानना है, अपने समान एक मित्र की तरह सम्मान देना है, अपमानित नहीं करना है, और उसको हर छोटे छोटे कार्य के लिए साथ लेके नहीं जाना है, उससे पूछ लिया कर, वो खुद ही हां या ना कर दिया करेगी। इस निर्णय के लिए भी मेरा आशीर्वाद उसके साथ होगा। अब ये कंसर्न था उनका मेरी मनोदशा को देख के। चित्रकार के बारे में कहते समाप्त कर, चित्रकार जल्दी समाप्त कर, इसको समाप्त करके फिर वो सियासत वाली बात जो कि राजनीति में जा, अच्छे लोगों को इकट्ठा कर। तो मैं बड़ा हड़बड़ाया हुआ था कि इतना सारा कुछ मैं कैसे कर पाऊंगा। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में मुझे जवाब दे रहे थे, उनका कंसर्न, उनकी दया देखिए, उनका प्रेम देखिए। तो उसमें फिर आगे वो लिखते हैं अगले पैराग्राफ में कि अपनी सुविधा के मुताबिक, अपने मुताबिक तू अपना चित्रकार और निघासन के सभी कार्य देख लेना। अब निघासन में भी हमारे मुकदमे भाई ने किए हुए हैं, किसी ने वहां चल रहा था, कुछ और प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ जमीन किसी ने कब्जा कर लिया था, उसके साथ मुकदमा चल रहा था, कई तरह की चीजें चल रही थी। तो उसके बारे में लिख रहे हैं कि वो भी तू अपनी सुविधा के अनुसार देख लेना, चित्रकार जैसे तुझे ठीक लगे, लेकिन विचलित और परेशान नहीं होना है। अब थोड़ा आराम कर ले, उसके बाद उठकर जो तुझे सही लगे वो काम कर लेना। अब उदासीनता छोड़, खुश हो, प्रसन्न हो, हंसी मजाक कर, ठीक है, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, ईश्वर साथ हैं, हरिओम बेटा, ईश्वर तुम्हारा भला करेंगे। तो अगेन ये दो ढाई पेज का एक मुझे उत्तर उनकी तरफ से आया, लेकिन इसमें हर जगह उन्होंने मुझे छूट दी, समझाया कि तुझे लगता है कि मैंने तुझे ये लिख दिया है कि तू मेरे हर शब्द पे किंतु करता है, अब नहीं करता है। तू जानना चाहता है गहराई से, समझना चाहता है, और ये तुझे मैं बता चुका हूं। तो जैसे एक बच्चे को, बच्चा रूठ जाए या अपसेट हो जाए, हर्ट हो जाए, तो पिता आके सहलाता है और समझाता है, बिल्कुल ऐसा उन्होंने मेरे साथ किया। और इसीलिए मैं कहता रहता हूं कि मेरा रोम रोम उनका ऋणी है, एंड टू बी ऑनेस्ट आई मिस हिम, बिकॉज काफी देर से उनका मुझे कोई उत्तर नहीं आया है, और काफी देर से उन्होंने जैसे वो फोटो खींचते हैं मोबाइल से आके, फोटो भी नहीं खींचा है, काफी देर हो गई है। मैंने कई बार कहा भी, हाँ डॉक्टर रूपा के माध्यम से एक दो बार उन्होंने मुझे जवाब दिया, लेकिन जैसे पहले उत्तर देते थे, अब उनकी मजबूरी थी, उन्होंने कहा मुझे कि तू मुझे परेशानी में डाल देता है, मुझे ईश्वर से आज्ञा लेनी पड़ती है तुझे उत्तर देने के लिए, तो मुझे बार बार परेशानी में मत डाला कर, मैं सदैव तेरे साथ हूँ, मैं कहीं भी तुझे देख रहा हूँ, तेरे साथ हूँ, ईश्वर तेरे साथ है और तेरा मार्गदर्शन हो गया है, अब उस पर चल। तो मैं लगा हुआ हूँ, मतलब जो छो आई एम सॉरी, जो जो उन्होंने मुझे बताया और जो जो निर्देश दिए, मार्गदर्शन किया और मेरे सवालों के जवाब दिए और जो कायाकल्प किया, तो उस पर लगा हुआ हूँ। लेकिन जो भाग्य होता है, प्रारब्ध होती है, कहीं ना कहीं वो अड़चने डालते हैं, जो ग्रह हैं, आपकी दशाएं चेंज होती रहती हैं, तो सब उसके हाथ में है, सब कुछ उसने सुनिश्चित किया हुआ है। तो इसलिए जितनी जल्दी मैं वो सब समाप्त करके, जितना उन्होंने मुझे कहा था कि ध्यान लगाया कर सुबह उठ के, मैं लगाना चाहता हूँ और ज़्यादा, जैसा मैंने कहा भी कई बार के मैं जल्दी ये सब समाप्त करके, क्योंकि फिर मेरी इच्छा है कि ये घूमता रहेगा, लोग देखते रहेंगे, जिनके भाग्य में होगा ईश्वर उन तक पहुँचाते रहेंगे विधियाँ बना के, और वो सुन के जिसको रास्ता मिलना होगा, जिसको जवाब मिलना होगा, जिसकी
द्वंद्व दुविधाएं होंगी उसको उत्तर मिल जाया करेगा और उसका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। वही मेरी कमाई होगी और मैं अपना बैठ के ध्यान लगाऊंगा, जपूंगा, मेडिटेट करूंगा, गाऊंगा, पाठ करूंगा, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ शुरू करूंगा, आनंद लूंगा, डुबकियां लगाऊंगा उस अमृत के सागर में, अपना जीवन सार्थक करने का प्रयास करूंगा। जितना मैं अपनी मूर्खताओं की वजह से, अपनी अज्ञानताओं की वजह से नीचे आता चला गया, उतना ही मुझे वो कवरअप करना है। तो एक तरह से दिन रात मेरा यही सिलसिला शुरू होगा। खैर, ये सब गुरु पिता ओंकारा जी महाराज की कृपा से, ईश्वर की कृपा, अल्लाह वाहेगुरु गॉड की कृपा से, गुरु साहिबान की कृपा से ही संभव हो पाएगा। तो जैसा मैं जब भी शेयर करता हूँ ये रब भगवान से मेरी बातें, और जो मुझे उत्तर आया उस उत्तर के बाद में मकसद पर्पस क्या है, इसमें मेरी कोई बहुत बड़ी, मेरा बड़प्पन नहीं है, मेरी कोई बहुत बड़ी प्राप्ति, या मैं कहूँ कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ या बहुत बड़ी तोप हूँ, नहीं, बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, नहीं, मैं एक साधारण इंसान जो जैसे हमारे इंडस्ट्री के लोग लगे हुए हैं, मैं भी ऐसे लगा हुआ था जैसे तमाम लोग चाहते हैं, नाम, शोहरत हो, सत्ता हो, पावर हो, पैसा हो, मैं भी ऐसे लगा हुआ था। और मैं ये कह चुका हूँ पहले कि बाँह पकड़ गुर काढ़या कीना अपनया। तो ईश्वर ने मुझे बाँह पकड़ के उस माया नगरी से निकाला, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। और फिर यहाँ लाके 10 नवंबर 2018 को कृपा की, अपार कृपा की, मेरा मार्गदर्शन करना शुरू किया, मेरे जीवन का कायाकल्प कर दिया, मेरा कोई सवाल नहीं रहा। तो ये जो मुझे हासिल हुआ, मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ, आज्ञा मिली, वरना मेरी औकात नहीं थी, मेरी हिम्मत नहीं थी। कुछ लोगों ने मुझे रोका था, जैसे बहुत सारे लोग उनको कुछ प्राप्त हो जाए तो वो शेयर नहीं करते हैं, लेकिन मुझे आज्ञा मिली और ये लालच था। जैसे कुछ लोगों ने तुम्हारा ये, तुम्हें जो प्राप्ति हुई है ये ख़त्म हो जाएगी, तो मैंने पहले भी इसका जिक्र किया है कि मैं इसलिए कई बार चीज़ें रिपीट करता हूँ कि लोगों ने पिछले एपिसोड देखे नहीं होते, उनके पास वो एप्टीट्यूड नहीं है, इतना पेशेंस नहीं है कि सारे एपिसोड्स देखें। तो मैंने कहा था कि मेरे पास मान लीजिए 1 किलो गेहूं है, तो या तो 1 किलो गेहूं मैं अपना सीने से लगा के रखूं, या फिर उसको बिखेर दूं, तो हो सकता है उससे 10 क्विंटल गेहूं हो जाए। ठीक है, 10 क्विंटल गेहूं हो जाए क्योंकि मैंने बिखेर दिया। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो मैंने उन लोगों से कहा कि भाई ठीक है आपकी अप्रोच की मैं ना शेयर करूं, लेकिन मैं तो भाग लगाना चाहता हूं, मुझे मिला है मैं इसको बांट देना चाहता हूं, लेकिन अगर कहीं पौधे लग गए, अगर कहीं बाग लग गए, तो फिर उससे इतना फल आएगा, इतनी फसल, इतनी पैदावार आएगी कि मैं संभाल नहीं पाऊंगा। मैं इस संसार में हूं, मैं किसी और संसार में हूं, या मेरा कहीं और जन्म हो चुका हो, मुझे वो फल, वो पैदावार आती ही रहेगी, क्योंकि इस ब्रह्मांड में एक ही आईडी है, एक ही उस मालिक का निजाम है, वो मेरे खाते में क्रेडिट होता ही रहेगा। तो भाग लगाने की कोशिश है, आप लोग चूक मत जाइएगा। मैं एक अभिनेता हूं, मैं एक लेखक हूं, निर्देशक हूं, रीजनेबली इंटेलिजेंट हूं। प्रभु जी ने, गुरु पिता ओंकारा महाराज ने कई बार कहा कि तुझे ईश्वर ने तीव्र बुद्धि दी, अति तीव्र बुद्धि दी है, अपने विवेक को इस्तेमाल कर। तो वो जो बुद्धि मुझे दी और जो मुझे बुलवाते हैं, जिसके लिए बुलवाते हैं, उस तक ये संदेश पहुंच जाए, उनका जीवन बदल जाए, वो हरि की, ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु गॉड की शरण में चले जाएं, हाजिर हो जाएं, नाम जपना शुरू कर दें, नहीं जप पा रहे, मन भाग जाता है, मैल है, पाप कर्म किए हुए हैं, तो रात को रिपीट पे लगा के सोना शुरू कर दें, ताकि धीरे धीरे मैल धुलना शुरू हो, राहत मिले, मन टिकना शुरू हो जाए। जैसे लोगों की लाइलाज बीमारियां ठीक हुई हैं, तो मैं कुछ महापुण्य कमा लूंगा। और मुझे ये सांत्वना है, ये सेटिस्फैक्शन है कि ये जो बीज हम बिखेर रहे हैं, ये जो मैं उस मालिक का कुकर बन के, उसका मुतिया बन के जो भौंता रहता हूं, तो शायद कोई जाग जाए। कुछ लोगों को तो तकलीफ होगी कि ये डिस्टर्ब करता है,
लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को जाग आ जाए, तो जाग के वो जपना शुरू कर दें, सुनना शुरू कर दें, उसकी शरण में चले जाएं, ना करोड़ की माफिया मांगने शुरू कर दें, काम हाथ से करें और मन में उसका नाम दोहराते रहें, सैर करने जाएं तो उसका नाम लेते रहें, पुण्य करने लग जाएं, दयालु हो जाएं, दया करने लग जाएं, दान करने लग जाएं, गौशालाओं में जाके चारा देने लग जाएं, तो मेरा भला हो जाएगा, मेरा ये सब प्रयास सार्थक हो जाएगा, ये कोशिश सार्थक हो जाएगी, मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। इसलिए मैं लगा रहता हूं और मेरी आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। आने वाले समय में हम लोग आपके साथ में, और मैंने यहां भूतों प्रेतों के साथ में जो वार्तालाप किया हुआ एपिसोड्स डाले हुए हैं, जिन्नातों के साथ में जो वार्तालाप, उनकी आवाज उनकी ओरिजिनल आवाज में है कि कितने कितने सालों की सजाएं हैं, 300 साल की, 500 साल की, 700 साल की सजाएं हैं, आग लगी रहती है, ना कुछ खा सकते ना पी सकते हैं, कितनी तरह के नर्क हैं, कितनी तरह के स्वर्ग हैं, कितने लेवल्स हैं, ये सब कुछ है। उसका जो इटर्नल सिस्टम है, मालिक का, ईश्वर का, भगवान का, अल्लाह का, गॉड का, वो अल्टीमेट सिस्टम है, वो गजब का सिस्टम है। तो किसी मुगालते में, किसी गलत फहमी में मत रहें। मेरी बार बार करबद्ध प्रार्थना आप सभी लोगों से, जपा करें। समय विकट है, आगे और विकट आने वाला है। अगर अभी से अभ्यास नहीं करेंगे, जपना शुरू नहीं करेंगे, सुनना शुरू नहीं करेंगे, उस अवस्था में नहीं पहुंचेंगे, तो आगे जब और विकट समय आ जाएगा, भयानक समय आ जाएगा, तब नहीं जप पाओगे। तो सिर्फ चीखना चिल्लाना होगा, भागना दौड़ना होगा, व्याकुलता होगी, जप नहीं पाएंगे। इसलिए बार बार मैं आग्रह करता हूं, विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं, करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि कम से कम रात को रिपीट पे लगा के सो जाया करें। mangaldillon.in पे जाके हीलिंग शब्द है, वहां से जाके डाउनलोड कर ले। सुखमणि साहब है, भाई रंजन सिंह जी ने बहुत अच्छा पाठ किया, उनकी आवाज में उसको डाउनलोड कर लें। जपजी साहब है, रारा साहब है, भावार्थों के साथ में है, उसको डाउनलोड कर लें। शब्द हैं, उनको सुना करें, कान में लगा के सुना करें, आंखें बंद करके, रात को रिपीट पे लगा के माफिया मांगा करें, प्राचित किया करें। यहाँ से जाके सूरत से दरबार साहब में, अपने धर्म स्थानों में, काबा शरीफ में, बद्रीनाथ में, जहाँ जहाँ भी आपकी श्रद्धा है, वाटिकन में, जगन्नाथपुरी में, नागरगढ़ के माफिया मांगा करें, वहां की परिक्रमा किया करें, प्राचित किया करें, जितना कर सकते हैं, क्योंकि पाप हमने बहुत ज्यादा इकट्ठे कर लिए, मैल बहुत ज्यादा है, इसीलिए यकीन नहीं आता, इसीलिए मन नहीं टिकता है, इसलिए बेचैनी है, इसलिए मन मानता नहीं है। तो ये सारी निशानियां हैं, तब तो और ज्यादा सचेत होना चाहिए, और ज्यादा आपको चिंता होनी चाहिए कि अरे इतना टाइम हमने जाया कर दिया, ये जा रहा है, भागा जा रहा है। और जितने बुजुर्ग हैं उनसे प्रार्थना करता रहता हूं कि अंतिम चरण में हम लोग, जय पैंडे महा अंध गुबारा, हर का नाम संघ हो जा रहा, जिते अवगढ़ गलियां पीढ़ियां, तिथे हर हर ले छुड़ाए। अगर हमने नाम ना जपा, उसकी शरण में ना गए, हमने आत्मसमर्पण ना किया, सरेंडर ना किया, तो फिर वहां हमारा सहारा कौन बनेगा, हमें कौन छुड़वाएगा, हमारी राहदारी कौन बनेगा, हमें उजाला कौन दिखाएगा, कौन छुड़वाएगा हमें वहां, कौन हमारी जमानत देगा। इसलिए मेरी बार बार करबद्ध प्रार्थना है, प्रयास करिए, नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं, बार बार गिरे, साइकिल चलाना याद करिए कितनी बार गिरे लेकिन फिर सीख गए, बार बार लगे रहिए, तरीका बदलिए, कोई और तरीका, हमारे तमाम वीडियोज इनको देखिए, हमारा ग्रुप है धन गुरु नानक, उससे जुड़ जाइए। मैं हर एपिसोड जो वीडियो है उसके नीचे पिन कर देता हूँ, उसमें लिंक दिया होता है, उससे आ जाए। टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम डाउनलोड कर लें, उसमें धन गुरु नानक ग्रुप में जुड़ जाएं, लेकिन लगें, अपने घर में अपने लेवल पे लगे रहें, अपने धर्म के मुताबिक लगे रहें, दया करें, माफिया मांगे, प्राचित करें, ना करोड़ के माफी मांगे, रात को रिपीट पे लगा के सुने, पुण्यदान करें, सेवा करें, ग्रेटिट्यूड उस मालिक का, उसका धन्यवाद करते रहें,
गौशाला में जाके, गरीबों में जाके, चलते फिरते सैर करते उसका नाम निरंतर जपते रहें, धीरे धीरे रस बनने लग जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसी आवत जात से सिरफत पर निशान। प्रयास करिएगा। अगर कुछ लोग आप में से सीरियसली प्रयास करना शुरू करते हैं तो मैं उनका आभारी रहूंगा, कर्जदार रहूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कुछ मित्रों की बात पकड़ में आई होगी और वो इसको गंभीरता से लेंगे, इसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे ताकि उनका भी भला हो और मेरे जैसे निर्गुण का भी भला हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत महापुरुष, गुरु अवतार, पीर पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। मंगल ढिलोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिलोन चैनल।